अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप क्यू मोबाइल KG10 जो मॉडल है इसका फ्लैश फाइल किस तरह रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, एक तो मैकल का क्रैक और दूसरे MTK के USB ड्राइवर। तो दोस्तों, ये मेरे पास दोनों ऑलरेडी डाउनलोड हुए हैं और इनको मैंने मैकल क्रैक को ओपन कर लिया है और MTK के ड्राइवर ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल्ड हैं। तो आपने दोस्तों ये पहले दोनों चीज़ें इंस्टॉल करके तो मैकल क्रैक को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैंने मैकल क्रैक को ओपन कर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही ऑन होगा इसके ऊपर MTK आ जाएगा, आपने रीड के ऊपर क्लिक करके तो उसके बाद आपने नीचे स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन दबा के दोस्तों याद रहे कि MTK के USB ड्राइवर होंगे तो मोबाइल कनेक्ट होगा। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद आपने मोबाइल जो है वो USB उसके अंदर प्लग इन करनी है। कोई बटन नहीं दबाना, बस आपने उसके अंदर केबल प्लग इन करनी है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसके ड्राइवर इंस्टॉलिंग होने शुरू हो गए हैं, जो कि मैंने इंस्टॉल किए हुए थे। ये जस्ट फॉर्मेलिटी यहाँ पे पूरी हो गई है। तो दोस्तों, इंस्टॉल हो गए हैं, दोबारा से मैं मोबाइल उतार के लगाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मोबाइल कनेक्ट किया है तो इसके नीचे एक लाइन चलनी शुरू हो गई है। तो ये कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी और इसकी फ़ाइल आ जाएगी। दोस्तों, इस फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको फ़्लैश फाइल की ज़रूरत हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मकसद था मेरा बताना कि आप इसको किस तरह रीड कर सकते हैं, और इस रीड के आगे राइट लिखा हुआ है। दोस्तों, राइट भी इसी तरीक़ा से होनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मिलते हैं एक नई सी वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।